हे एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो हम पढ़ रहे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में हमने अभी तक टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को लिखना सीखा किसी भी कर्व पे, गिवन पॉइंट पे, और वहाँ पे कैलकुलस अप्रोच में हमने जो फैक्ट का यूज़ किया था, दैट इज़ कि किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल की स्लोप कुछ नहीं है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है सेम पॉइंट पे, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके टेंजेंट की स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं, और पॉइंट तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे, ज्योमेट्रिकली जो साउंड है जो आपको यूजफुल है, ठीक है। आज हम कुछ और फैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, और कह लो कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम, टेंजेंट लाइन वो लाइन जो कर्व को टच कर रही है। अगर टच कर रही है और गिवन लाइन है और गिवन कर्व है, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन भी होगी, ठीक है। सो हम बात करेंगे सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। आपको याद होगा जब 11th क्लास में हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो हमने किसी भी लाइन को, जब कर्व को, पैराबोला को, सर्कल को, लिप्स हाइपरबोला को टच कर रही है, तो हर केस में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव कर रही थी, ठीक है। सो सिमिलर बात हम कर रहे हैं दोबारा, बस हम अब जनरल कर्व की बात करेंगे। सो जनरल कर्व की बात करते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास ये कोई भी एक कर्व है, इसकी जो इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज वाई इज इक्वल टू सम एफ एक्स। नाउ लेट्स से एक लाइन आती है जो इसको टच करके जाती है किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये गिवन लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन मैं मान लेता हूँ वाई इक्वल्स टू, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये लाइन जब इस कर्व को टच कर रही है, तो कंडीशन क्या जनरेट होनी चाहिए या क्या बननी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे इसने टच करा, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन है, ठीक है। ये मैंने खुद से ज़ूम करा है, मुझे इसका यूज़ करना है या नहीं करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। कभी कभी तो आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालने को आ जाता है, ठीक है, जस्ट जैसे कि आपको पहले भी हमने कर रखा है। चलो बात करते हैं कि क्या क्या एल्जेब्रिकल इक्वेशंस बनेंगी अब हमारे सामने, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो पॉइंट, गिवन पॉइंट है, ये यहाँ पे कर्व के ऊपर और लाइन के ऊपर दोनों पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए पहली एल्जेब्रिक कंडीशन ये बनती है कि दिस पॉइंट पी, दिस लाइज ऑन द कर्व, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, एक ये आपकी कंडीशन बनती है इक्वेशन। ऑल्सो दिस पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन ऑल्सो, सो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स वन प्लस सी, ये आपकी सेकेंड एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन इसको टच कर रही है, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो मेरे को कहाँ से मिल सकती है, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट जो कि कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, और यू कैन से एफ डैश ऑफ एक्स वन, दिस विल बी नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट लाइन है ये और जिसकी स्लोप है m, इसलिए हमारे पास ये तीसरी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई इन चीजों को, इन वेरिएबल्स को लेके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन ड्राइव करने के लिए वी विल एलिमिनेट एक्स वन एंड वाई वन, एक्स वन वाई वन मैंने खुद से ज़ूम करे थे, ठीक है। सो फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिंपली एलिमिनेट एक्स वन एंड वाई वन टू गेट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो इस छोटे से फैक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं प्रूव करने को, या फिर डायरेक्टली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने को, या फिर कुछ वेरिएबल एम्बेड कर देंगे, लेट से कि इसमें सी निकालना है, तो क्योंकि टच कर रही है तो सी निकालो, या फिर टच कर रही है तो स्लोप निकालो, पॉइंट हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। सो या फिर कुछ और चीज़ें निकालने को आ सकती हैं। सो जो भी क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अब इसके ऊपर, किसके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लो और फिर कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस कंडीशन के ऊपर। ऑल राइट, सो ये पहला एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से ये क्या कहता है, इट सेज शो दैट, जैसा कि मैंने बोला प्रूफ करने के लिए कुछ आ जाते हैं,
show that the line x cos alpha plus y sin alpha equals to p touches the curve xy equals to a square if p square equals to 4 a square cos alpha sine अल्फा, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये लाइन जब इस कर्व को टच करती है, कब ये आपको दे रखी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑलरेडी, कि ये इसको जब टच करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बस आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। सो जो भी हमने अभी देखे थे स्टेप्स, उन सबको फॉलो करो और देखते हैं क्या हमारे पास आता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने किया था, लेट्स से कि मैं एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं x1, y1, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट कि ये लाइन इस कर्व को टच करती है एट द पॉइंट x1, y1। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हम अलजेब्रिकली काम करने वाले हैं, डायग्राम से थोड़ी फील आती है, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुका हूँ। आप चाहते हो तो एक रफ सा डायग्राम सेम दोबारा एक बार बना सकते हो, ठीक है। सो पहली कंडीशन क्या हमने देखी थी कि ये पॉइंट क्योंकि लाइन पे लाई करेगा और कर्व पे लाई करेगा, लाइन पे लाई करेगा तो मेरे पास कंडीशन आती है x1 cos alpha प्लस y1 sin alpha इक्वल्स टू p, एक ये कंडीशन। कर्व पे लाई करेगा तो आई हैव x1 y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये कंडीशन। थर्ड जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो क्या थी कि xy इक्वल्स टू a स्क्वायर जो कर्व है, यहाँ पे जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो x1 y1 पे डेरिवेटिव क्या इसकी स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है। सो सबसे पहले डेरिवेटिव की बात करते हैं, मेरे पास डेरिवेटिव है y कितना है a स्क्वायर अपॉन x, इसको ऐसे करूंगा तो a स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। एक काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली यहीं से डिफ्रेंशिएट कर दो तो u v रेगुलर आ जाते, तो क्या बन जाएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है, प्लस y इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन x1, ठीक है, माइनस y अपॉन x। अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट पे, एट पॉइंट p या फिर x1 y1, तो ये जो वैल्यू होगी माइनस y1 अपॉन x1। अब यही लाइन, यही ये क्या एक्चुअली स्लोप, तो यही वैल्यू क्या होनी चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या है, क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x यानी कि cos alpha अपॉन कोफिशियंट ऑफ y यानी कि साइन अल्फा, ठीक है, ये तो हमें निकालनी आती ही है। तो यहां से आपका ये कट गया, ठीक है। चलो अब देखो कि इन तीनों से हमें x1 और y1 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहां से y1 की वैल्यू मैं रखता हूं पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है, यहां से रखो जरा y1 की वैल्यू, तो मेरे को क्या मिलता है, ये मेरे पास मिल गया x1 cos अल्फा प्लस y1 की वैल्यू x1 cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो ये sin अल्फा कटा, ये बन गया x1 cos अल्फा यानी कि 2x1 cos अल्फा। तो यहां से मेरे पास x1 की वैल्यू आ रही है p अपॉन 2 cos अल्फा, ठीक है, ये एक चीज x1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर x1 की वैल्यू ये है तो y1 की वैल्यू कितनी, ये बन जाएगी इसको cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू पी। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि cos अल्फा कटेगा, यू विल गेट p अपॉन 2 sin अल्फा, ये आपकी आ गई x1 और y1 की वैल्यूज। अब ये दोनों वैल्यूज रख दो इस थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे मेरे को क्या है x1 y1 is equal to a square, so x1 y1 equals to a square यानी कि p
अपॉन टू कॉस अल्फा, देन पी अपॉन टू साइन अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, और यू कैन से फाइनली आई हैव दिस रिक्वायर्ड थिंग पी स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर ए स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा, रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो देख लो एक बार ध्यान से रिपीटेडली कि हमने क्या किया, कर्व, ये लाइन इस कर्व को एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर को टच करती है, तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, जो कि हमने कर था, हमने पॉइंट रिज्यूम कर लिया एक्स वन वाई वन, तीन कंडीशन थी, तो पॉइंट लाइन पे लाई करता है, कर्व पे लाई करता है, फिर डेरिवेटिव की वैल्यू स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल उसको इक्वेट करा, तो वाई वन अपॉन एक्स वन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यानी कि वाई वन की वैल्यू एक्स वन अपॉन एक्स वन इंटू कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, या फिर जो भी है इसकी वैल्यू पहले इसमें रखी, यहाँ से एक्स वन मिला, फिर वाई वन मिला, और एक्स वन वाई वन दोनों निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए, तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमें मिल गई, ठीक है। सो ये था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये जल्दी से आप नोट करो, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास है, इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग 0,3 एंड 5,-2 टचेस द कर्व वाई इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको ये जो c है यहाँ पे इस कर्व में y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस वन, ये वेरिएबल है यहाँ पे, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती लाइन इस कर्व को टच करती है, टेंजेंट बन जाती है, तब c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं, अगर मैं अपना जो हमने चीज़ें नोट करी थी उनको फॉलो करता हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले कि उसमें हमने क्या किया था, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अज्यूम किया था, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अज्यूम करा, चलो जल्दी से वही कर लेते हैं। लेट्स से कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्स वन कॉमा वाई वन, अब पहला कि पॉइंट ये कर्व पे लाई करता है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई वन इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स वन प्लस वन। सेकेंड चीज थी कि पॉइंट इस लाइन पे जो टेंजेंट बन रही है उस पर भी लाई करता है, ठीक है। सो लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, चलो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक रफ सा बना लेता हूँ, हमारे पास इस केस में सिचुएशन ये है कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये मैं मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ 0,3 मान लेता हूँ इसको, और ये बी मान लेता हूँ विच इज़ 5,-2, और ये जो कर्व है दिस इज़ वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स प्लस वन। सो हमने इस पे ये पॉइंट मान लिया पी एक्स वन कॉमा वाई वन। इस ए बी लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो वो कितनी आती है, देखो जान से स्लोप कितनी है 3-2 5 अपॉन -5, स्लोप है -1, स्लोप -1 पासिंग थ्रू 0,3, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सही है, चेक कर लो x प्लस वाई इक्वल टू 3, 0,3 सेटिस्फाई कर रही हो, 5-3 2, ठीक है। सो ये मैंने इक्वेशन ओरली लिख ली, आप इक्वेशन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो ये लाइन आ गई। तो सेकंड कंडीशन क्या होती थी कि पॉइंट जो है लाइन पे लाई करता है, दैट मीन्स कि अब मेरे पास है एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल्स टू 3, एक ये कंडीशन है, एंड थर्ड मोस्ट जो कंडीशन इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि डेरीवेटिव जो है, क्या डेरीवेटिव एक्स वन वाई वन पे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के इक्वल होगा, स्लोप है इसकी -1, और डेरिवेटिव अगर मैं यहां से निकालता हूं सो डीवाई बाई डीएक्स आपका आ जाएगा कितना, c
सी अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना, माइनस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एट द पॉइंट पी यानी कि एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी ये माइनस सी अपॉन एक्स वन प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, माइनस वन के इक्वल। ठीक है, चलो। सो यहां से एक ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये तीन कंडीशंस है, सी अपॉन एक्स वन प्लस वन वाई वन की वैल्यू ये और ये, इन तीनों से हमें निकालना क्या है, सी निकालना है। ठीक है, सो सी को निकालने की कोशिश करेंगे अब हम। ठीक, चलिए। सबसे पहले यहां पे मेरे पास सी है कितना, एक्स वन प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो, और मेरे पास है c की वैल्यू यहाँ से है y इंटू एक्स वन प्लस वन, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। चलो c से इक्वेट कर लेते हैं, पहले x1 में इक्वेशन बन रही है मेरे को जो दिख रही है वो मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ से c की वैल्यू कितनी, y1 वन इंटू एक्स वन प्लस वन, तो x1 वन प्लस वन इंटू वाई वन, देखो यहाँ से y1 वन इंटू एक्स वन प्लस वन, और y1 वन मैं यहाँ से ले रहा हूँ कितना, थ्री माइनस एक्स वन, थ्री माइनस एक्स वन, ये है। यहाँ से हमने c निकाला, और सी ऑल्सो वी हैव एक्स वन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये भी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मेरे पास क्या मिल रहा, ये थ्री एक्स वन माइनस एक्स वन यानी कि टू एक्स वन प्लस थ्री माइनस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर ओपन करो आपको मिल जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस वन, आपका ये टू एक्स वन कट रहा है। ठीक है, सो अब मेरे पास बचा ये वन, थ्री माइनस वन टू, ये उधर चला जाएगा, आपको बन जाएगा टू एक्स वन का स्क्वायर, टू से टू कटा, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी कि एक्स वन की वैल्यू वन कॉमा माइनस वन। अब देखते हैं हमें सी निकालना, सी देखो यहाँ पे ये है, तो सी की वैल्यू अगर, तो एक्स वन की वैल्यू है वन, तो वन प्लस वन टू का स्क्वायर फोर, दूसरा अगर माइनस वन रखता हूँ तो सी की वैल्यू आती है जीरो। अब देखो माइनस क्या दोनों आंसर हैं या एक ही आंसर है, अगर तो हो जाता है सी जीरो तो फिर ये तो y इज इक्वल टू जीरो लाइन होगी, फिर तो ये मतलब x एक्सिस बन जाएगा, और x एक्सिस डेफिनेटली फिर इस लाइन को कहीं ना कहीं टच तो करता नहीं। ठीक है, सो कर्व भी आपका चेंज हो गया, y इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसको टच नहीं कर रही, कट कर रही है, तो फिर c की वैल्यू जीरो आपकी नहीं हो सकती, देयरफॉर c की वैल्यू हमारी जो बचती है वो है फोर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो वही बेसिक चीज़ जो हमने पहले बोली बात करी थी, वही चीज़ हमने फॉलो करी कि पॉइंट मान लिया x1 को मैं y1, ये तीन कंडीशन बनती है, यहाँ से हमें c निकालना था, हमारे पास तीन वेरिएबल x1 y1 और c, इक्वेशन भी तीन है, वैल्यूज तो आ ही जानी है। हमने c को एलिमिनेट करा, x1 में इक्वेशन बनाई, सबसे पहले x1 निकाला, x1 निकाला तो क्या c भी आ गया, इसके बाद y1 भी आ सकता है, आप देखो c और x1 की वैल्यू रखो, यू विल गेट y1 also। ठीक है, चलो हमें c चाहिए था और हमें c 4 मिल गया, 0 एक आंसर मिल रहा था, 0 आंसर नहीं है, वो भी देख लो आपने क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे z को 0 करता हूं तो ये आ जाता है कर्व y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, अब x एक्सिस डेफिनेटली इस लाइन को टच तो नहीं कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, सो चलो ये था हमारा एक क्वेश्चन, एक अप्रोच जो हमने देखी। ठीक है, हम बात कर रहे थे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, ये जरूरी ही है कि यही अप्रोच है। ठीक है, आप कैलकुलस को हट के सोचो या प्लेन ज्योमेट्री में जो हमने बात करी थी उससे भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, जो मैंने अभी यहीं पे देखा कि ये लाइन आ गई मेरी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और कर्व था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ, क्या डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ तो मुझे इक्वेशन बन जाएगी दोनों के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देने वाले हैं, बट गिवन है कि ये लाइन इसको टच कर रही है तो वहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि ये सब तुमने नोट कर लिया होगा। चलो लेट्स रब दिस वन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन है और ये कर्व है, हमें सी निकालना है, मुझे पता है कि ये लाइन इसको टच कर रही है, अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ यानी कि अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू रखता हूँ तो वो मेरे पास आती है x प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, तो ये जो इक्वेशन बनती है देखो क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस सी इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, सही है, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री। सो टोटल इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस सी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। दोनों को सॉल्व करा तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो रूट है तो लाइन में इसकी दो अलग अलग पॉइंट्स यानी कि लाइन कट कर रही है, और अगर सिंगल रूट है यानी मेरी लाइंस टच कर रही है, हमारी लाइन टच कर रही है इसके रूट होना चाहिए सिंगल सिंगल, दैट मीन्स कि अब डिस्क्रिमिनेंट यहां पे होना चाहिए जीरो। तो डी को अब मैं जब जीरो करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर माइनस फोर इंटू सी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। आप देखो यहां से सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, फोर, ठीक है। सो वही आंसर जो दोबारा आया था, ये जो पार्ट है इसके बारे में हम ऑलरेडी 11th में ही बात करो, जो सिंपल बेसिक अप्रोच है। क्वाड्रेटिक तक है तो बात बन जाती है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वही है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब सिंगल रूट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टच कर रही है, ठीक है। यही अगर कर्व दूसरा हो जाता तो फिर ये मेथड काम नहीं करता, फिर जो बेसिक अप्रोच हमने पहले वाले मेथड में करी थी वो तो आपकी काम करती ही करती, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। आई होप कि आपने फॉलो किया होगा। आगे बढ़ेंगे हम कुछ और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में कुछ नए क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके बच्चों, वेलकम। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट हो सकती है, नॉर्मल भी आपकी लाइन हो सकती है, ठीक है। सो एक बाहर जो पॉइंट है जो कर्व के ऊपर लाई नहीं करते हैं वहां से टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करनी है, सिंपल सी चीज़ है, पहले भी तुम एक बार दे चुके, बस एक बार दोबारा जब हम करने वाले हैं तो हम यहाँ पे कैलकुलस का अप्रोच का फॉलो करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, छोटा सा ये है कि अगेन लेट से ये मेरा कर्व है कुछ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दे रखा है पी, अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस अल्फा कॉमा बीटा से हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको टच कर रही है। अब ये टेंजेंट्स एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। सो जो भी होगा अपने आप आ जाएगा, ठीक। सो यहां से मान लो ये टेंजेंट एक लाइन गई और इसको यहां से टच करके गई, एक बार दोबारा मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अज्यूम कर लो ये पी है तो ये क्यू मान लेते हैं, दिस इज सम एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन चाहिए, अल्फा बीटा दे रखा है तो एक्स वन वाई वन आ जाए तो काम बन जाएगा। एक्स वन वाई वन क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो एक बार फिर से अगर मैं बात करूं तो क्यू आपका लाई करता है कहाँ, कर्व के ऊपर। सो इसको सेटिस्फाई करेगा वाई वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन। दूसरी चीज़ क्या है वो यही कि एक्स वन वाई वन पे डेरिवेटिव आपको देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट क्यू दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, पी क्यू की स्लोप हो जाएगी आपकी y1 वन माइनस बीटा अपॉन एक्स वन माइनस अल्फा, ठीक है। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, सिंपल है। फ्रॉम वन एंड टू आई कैन सॉल्व टू गेट एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है। सो नाउ सॉल्व वन एंड टू टू गेट एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन आ गया, अल्फा बीटा मेरे पास आई है तो दो पॉइंट से मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूंगा, ठीक है। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर, जल्दी से आप तुम लोग इसको नोट कर लो। ओके एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है। ये बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अ टेंजेंट ड्रॉन पासेस थ्रू 1,1। सो 1,1 से बेसिकली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व को, तो वो कौन से पॉइंट पे बनती है, ठीक है। आपको पॉइंट निकालना है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व अ टेंजेंट ड्रॉन पास थ्रू 1,1। सो 1,1 से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो कौन से पॉइंट पे इसको टच करती है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट पी है हमारा वो कितना दे रखा है 1,1। अगेन लेट क्यू बी
जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मैं मान लेता हूँ x1 कॉमा y1। और हमारे पास दो कंडीशन थी, एक तो ये कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली हमें निकालना भी है। एक तो ये कर्व पे लाई करेगा, इस कर्व पे, तो मेरे पास मिल जाएगा y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक क्वेश्चन ये, दूसरी क्वेश्चन क्या थी, वो थी कि स्लोप dy/dx, देखो यहां से कितना है एट द पॉइंट Q, वो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस 5 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द PQ की जो स्लोप है, तो PQ की कितनी हो जाएगी, दैट इज y1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1। ठीक है, सो ये आपकी पहली क्वेश्चन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों क्वेश्चन से हमें x1 और y1 निकालने। देखो चलो जल्दी से लिखते हैं, तो यहाँ से y1 की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं। सो इसको इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 2x1 माइनस 5 इंटू x1 माइनस 1, राइट हैंड साइड पे y1 की वैल्यू यहाँ से रख दूँ कितना, x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 और माइनस 1। ठीक है, तो बस x में मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से। ठीक है, ये बन जाएगा 2x1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 5 और 2 7 माइनस 7 x1 प्लस का 5 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 5। देखो यहाँ से x1 एक कट गया, x स्क्वायर गए 7 और 5 गए माइनस 2 x1 5, ये तो पूरा कट गया इक्वल्स टू 0। तो साफ दिख रही है x1 की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0.2। तो व्हेन x1 इज 0 हम निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो दो पॉइंट आ गए वो क्या है, एक तो आ रहा है 0 व्हेन x इज 0, सो y इज 6 0.6 एंड व्हेन x इज 2 और x जब 2 है तो ये बन जाएगा 4 और 6 10 और 5 और 2 10 0 2.0। ठीक है, सो दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों पॉइंट्स पे जब टेंजेंट्स बनती है तो वो आपकी 1.1 से पास करती हुई जाएंगी, या फिर उल्टा बोले तो 1.1 से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इस कर्व को 0.6 और 2.0 पे जाके टच करेंगी। ठीक है, सो सिंपल सा एग्जांपल था, हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहां पे है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x2=4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1.2। ठीक है, सो अब हम टेंजेंट की नहीं, अब हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं इस कर्व पे जो कि 1.2 से बनेगी। ठीक है, सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकली एक डायग्राम से बना देता हूँ, x2=4y सिंपल स्टैंडर्ड सा पैराबोला है। ठीक है, सो डायग्राम की बात करें तो कुछ आपकी डायग्राम ऐसी बनेगी, x2=4y अपवर्ड पैराबोला, नाउ 1.2 जो है आप चेक करो आपका अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे कहीं 1.2 पॉइंट है P, यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करनी है, नॉर्मल लाइन आपको पता है कैसे जाएगी, अब अंदर पॉइंट है तो अगर आपको याद है 11th में तो यहां से मैक्सिमम है 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं, कितनी बनती है वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। फिलहाल के लिए लेट्स से कि ये है नॉर्मल लाइन जो मैं पी से ड्रॉ कर रहा हूं और आपकी बन रही है कुछ ऐसी। ठीक है, सो इस तरह की कुछ नॉर्मल लाइन अगर बन रही है, बेसिकली
अब मैं एक अज्यूम करने वाला हूँ कि ये इसको यहाँ पे कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल का भी पॉइंट होता है। सो ये नॉर्मल है तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये की टेंजेंट होगी। मैं मान लेता हूँ दिस इज पी, ये आपका पॉइंट पी है, तो ये कुछ क्यू, वही एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हमने टेंजेंट का देखा था कि टेंजेंट में क्या कर रहा था कि पी क्यू की स्लोप को हमने डेरिवेटिव के इक्वल कर दिया था, ठीक है, और डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो बस पी क्यू की स्लोप को माइनस डी एक्स बाई डी वाई के इक्वल करना है, बस ये चेंज आया और कुछ नहीं है, ठीक है। सो पहली चीज क्या थी कि अभी एक्स वन कॉमा वाई वन कर्व के ऊपर लाई करेगा, यानी कि मुझे पता है कि आई एम गेटिंग दिस रिलेशन एक्स वन स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर वाई वन, ये पहला चीज। दूसरा मेरे को क्या करना है, माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई एट द पॉइंट क्यू इट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। नॉर्मल की स्लोप मेरे को मिलती है यहां से, ठीक है। सो ये देखते हैं अपना डी एक्स वाई डी वाई, वहां से देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। व्हाट वी हैव इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन फोर, यानी कि एक्स अपॉन टू। सो अगर ध्यान से देखो तो डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स, सही है ये, चेक कर लो, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज नथिंग बट वाई वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस वन, ठीक है। ये चेक कर लो बेटा, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये, इसी क्वेश्चन को मुझे सिंपली डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट के टू एक्स इक्वल्स टू फोर डी वाई बाय डी एक्स। सो यहां से आपका डी वाई बाय डी एक्स कितना मिल रहा है, एक्स अपॉन टू, सो माइनस का डी एक्स बाई डी वाई यानी कि माइनस का टू अपॉन एक्स, ठीक है। अब वाई वन की वैल्यू बचा मुझे कितनी है, एक्स वन स्क्वायर अपॉन फोर, वो यहाँ पर रखूंगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आपका आ गया माइनस टू, दिस इज एक्स वन माइनस वन, राइट हैंड साइड पे एक्स वन इंटू मेरे पास वाई वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन का स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ये आपका टू, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था मैक्सिमम तीन पॉसिबल नॉर्मल्स बन सकती है, अब आपके सामने क्यूबिक क्वेश्चन बन के आ रही है, तो इस क्यूबिक क्वेश्चन के कितने रूट्स हैं वही हमें बताएंगे कि कितनी नॉर्मल्स बन रही हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करना है, ये जो डायग्राम मैंने बनाई थी इसका तो आई थिंक कि काम हो चुका है, सो लेट्स रब दिस थिंग। और इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा माइनस टू, एलसीएम देखिए कितना जाएगा, माइनस एट एक्स वन माइनस वन, राइट हैंड साइड पे दिस इज एक्स वन और ये आपका बन गया एक्स वन स्क्वायर माइनस एट, ठीक है। ऑल राइट, सो देखो फाइनली मेरे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है वो है एक्स वन क्यूब माइनस एट एक्स वन, अच्छा ये तो कट गया, माइनस एट एक्स वन यहाँ से और यहाँ से माइनस एक्स वन कट गया और बचा क्या, इक्वल्स टू एट बच गया। सो एक्स वन क्यूब इक्वल्स टू एट, तो एक्स वन का एक ही रूट आ रहा है विच इज टू, सो एक्स वन टू, तो कॉरस्पॉन्डिंगली वाई कितना हो गया आपका, टू का स्क्वायर फोर वन, ठीक है। सो टू कॉमा वन, आई थिंक एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। हमें इक्वेशन की नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी, हमने एक पॉइंट मिला टू कॉमा वन, मतलब कि एक ही नॉर्मल बनने वाली है, ठीक है। सो पी है आपका वन कॉमा टू, क्यू आपका आ गया टू कॉमा वन, आप स्लोप देखो, स्लोप आपकी आ रही है माइनस वन, देयरफोर आपकी इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स को इक्वल्स टू फोर वाई पासिंग थ्रू वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन, जो है वो पॉइंट आपको मिला कर्व के ऊपर जहाँ से वो नॉर्मल क्रॉस कर रही है, ठीक है। सो
ये था एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा, टेंजेंट या फिर नॉर्मल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व दे रखा है। आपको निकालना है फाइंड ऑल लाइंस दैट पास थ्रू 1,1 एंड टचेस द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय दिस एक्स इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये है आपका कर्व जो पैरामेट्रिकली यहाँ पे दे रखा है। आपको टेंजेंट की इक्वेशंस निकालनी है जो कि 1,1 से पास करती हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही है, बस कर्व पैरामेट्रिकली दे रखा है, तो कोई बड़ी बात या बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज पी, जहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली क्यू पॉइंट ज़ूम कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वही करेंगे एक बार फिर से, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1, y1, ठीक है। सो पहली कंडीशन क्या थी कि पहली तो कर्व जो x1, y1 इसके ऊपर लाई करेगा, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, x1 इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर एंड y1 इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर, सही है, कोई डाउट। सेकंड चीज क्या करते थे हम कि डेरिवेटिव एट x1, y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन PQ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम डेरिवेटिव यानी कि dy/dx देख लेते हैं। सो dy/dx कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, दैट विल बी पैरामीट्रिकली है तो ऊपर आ जाएगा dy/dt, नीचे आ जाएगा dx/dt। dy/dt देखो यहाँ पे 1 + 2t और नीचे dx/dt आ जाएगा 2 - 2t, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - t, ठीक है। पैरामेट्रिकली t में है तो हम t में ही काम करेंगे। अब सेम जो स्लोप है वो मुझे किसके इक्वल करनी है, PQ के इक्वल। PQ की स्लोप की बात करूं तो दैट विल बिकम y1 - 1 अपॉन x1 - 1, ठीक है। y1 की वैल्यू मैं यहां से t की टर्म्स में लिख देता हूं और t में इक्वेशन बना देता हूं। सो t की टर्म में लिखता हूं तो दैट विल बिकम y1 - 1, y1 इज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन और नीचे आपका आ जाएगा x विच इज 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सो इस इक्वेशन को जरा देखो, यहां से हमें अब t निकाल लेना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस, दिस इज 2t प्लस 1, नीचे 2 कॉमन, 1 - t, राइट हैंड साइड पे टी स्क्वायर प्लस फैक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे, टी माइनस 1। और इधर आप ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, हाँ माइनस कॉमन लेके दिस इज 1 - t का होल स्क्वायर, सही है। देख लो ध्यान से, 1 + t² - 2t - कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस के साथ फिर ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके इसको, ये एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी एक स्टेप और कर लो जरा जल्दी से, माइनस कॉमन लेके इसको मैं टी माइनस वन बना रहा हूँ, टी माइनस वन इंटू 2t + 1, राइट हैंड साइड पे आ गया 2 times t² + t - 1, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो आई हैव दिस 2t² + t - 2t, यानी कि माइनस का टी देन माइनस का 1, राइट हैंड साइड पे 2t² + 2t - 2, तो ये 2t² आपका कट गया, ये आपका इधर चला गया, सो इट इज 3t और ये 2 आ गया 1। सो t की वैल्यू आपको मिल रही कितनी, 1/3, ठीक है। सो जब आपका t 1/3 एक वैल्यू आई है तो दैट मीन्स कि आपका q आ जाएगा पॉइंट
ठीक है। सो क्यू पॉइंट भी आ जाएगा और साथ में आपकी स्लोप भी यहाँ से आ जाएगी। सो टेंजेंट की क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ, वन टी इज वन बाय थ्री, टी इज वन बाय थ्री, तो स्लोप कितनी आएगी? स्लोप विल बी, कहीं से मैं निकाल लूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो वन प्लस टू बाय थ्री अपॉन टू इंटू वन माइनस वन बाय थ्री। सो देखो ये कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है फाइव बाय थ्री और नीचे वन माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री, तो थ्री से थ्री कट गए, एक टू ये रखा हुआ है, तो दिस इज फाइव बाय फोर। स्लोप आ गई फाइव बाय फोर। पॉइंट आप चाहे क्यू निकालो यहाँ से, बाकी पी तो मुझे पता ही है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वन इक्वल्स टू फाइव बाय फोर एक्स माइनस वन, ठीक है। सो ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,1 टू द कर्व x इक्वल टू टू टी माइनस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इसको नोट करो और एक बड़ी ही अनयूजुअल सी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हम ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं, और एक बात, एक पॉइंट जो हमने देखा था, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। एल्जेब्रिकली अगर तुमने कुछ काम करा है तो कुछ ऐसा काम नहीं करना है जहाँ से हमारा आंसर कुछ मिस आउट हो जाए या फिर कुछ आंसर हमारा निकल जाए सॉल्यूशन से। वो आपको पता कैसे होता है, जब मैं कोई फैक्टर कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ध्यान से इस स्टेप पे एक बार दोबारा नज़र मारो। यहाँ पे मैंने क्या करा, वन माइनस टी, वन माइनस टी एक फैक्टर कैंसिल कर दिया था, जबकि जब मैं वन माइनस टी को कैंसिल ना करूँ और ये देखूँ कि टी इक्वल्स टू जब वन होता है तो ये कितना बन जाता है, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बन जाता है। दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पे इन्फिनिटी बनता है, तो फिर इन्फिनिटी मतलब कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, तो फिर वो वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन बेटा, व्हेन टी इज इक्वल्स टू वन, व्हेन टी इज इक्वल्स टू वन, यहाँ से नोट करो इसको, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, एट टी इक्वल्स टू वन यू कैन चेक आउट देयर एग्जिस्ट अ वर्टिकल टेंजेंट। स्लोप इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे दैट मीन्स की वर्टिकल टेंजेंट है। सो जब टी वन होता है स्लोप आपकी इन्फिनिटी बनेगी, हम बात कर रहे हैं 1,1 से पास करने की, सो वहां से पास करती और वर्टिकल टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी x इक्वल्स टू वन, ठीक है। सो नोट डाउन कि इन्फिनिटी ये फैक्टर कैंसिल करा था हमने, ठीक है। सो ये कैंसिल करा था, अगर इसको रिटेन करते हैं तब भी आपका एक आंसर आता है, क्लियर। सो हमने आज दो पॉइंट्स पे बात करी, दैट वाज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पे ये कुछ एग्जांपल करें, ठीक है। मैं थोड़ी से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और आगे के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला, ठीक है। अभी तक का जो पार्ट था ये तो आपने कहीं हद तक कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रखा था, बट द कमिंग अप नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर वॉचिंग मी एट पॉजिट्रॉन मैथ्स अकेडमी, आई एम कौशिक योर मैथ्स मेंटर एंड वी आर राइट नाउ स्टडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा।